हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है गाइस। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, न अच्छा होंगे गाइस। मैं बहुत दिनों के बाद जो है आज व्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ। करीब 4 से 5 मंथ के बाद जो है आज मैं व्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैंने क्या रीज़न है उसके बारे में तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग को बताऊँगी। जो है मैं वीडियो नहीं बना रही थी, बट आज मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम में जो है मैं फिर से वीडियो बनाने के लिए मतलब स्टार्ट की हूँ आज वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने क्या मतलब किस रीज़न से जो है मैं जो वीडियो नहीं बना रही थी ना, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। तो गाइस आज का जो ब्लॉग वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं। अम्मा क्या कर रही है अभी सुबह सुबह से? तो मैं ना अभी अम्मा के पास ले जा रही हूँ आप लोगों को। सो गाइस अभी सुबह सुबह का टाइम हुआ है और आज बादल भी किया हुआ है और हम लोग इसको सुखाए थे छत के ऊपर, तो इसको ना शाम को निकाल कर लाए हैं। इसको बोलते हैं गाइस हमारे इधर भूंगा बोलते हैं, है ना अम्मा? इसको ना हम लोग भूंगा बोलते हैं। तो अभी इसको हम लोग रखेंगे मतलब ये सब्जी बनाएंगे, चना में सब्जी बनाएंगे। हाँ तो इसको ना हम लोग दाल डाल कर इसका सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बटर में भी अच्छा लगता है, चना और चना भी में अच्छा लगता है। तो अभी इसको हम लोग पॉलीथीन से जो है इसको अभी भर कर रखेंगे इसको। और है लेकिन अभी इसको जो है हम लोग जो छत पे सुखा कर लाए थे तो उसी को जो है अभी अम्मा जो है इसको अभी इसके लिए छोटा वाला बोरी लगे इसमें जो है हम लोग इसको भरेंगे। तो मैं अपने अम्मा का हेल्प भी कर देती हूँ। इस साइड ना बगल साइड में भी हम लोग इसको धान को कोठी वगैरह में रखे थे, सो इसको अभी अभी हम लोग अभी बेचेंगे इसको। तो इसको यहीं पास रख दिए हैं, इधर है धान और इस साइड है धान। और ये जो धान है ना पतला धान है तो इसको अभी हम लोग बेच दिए हैं मतलब निकाले हैं आज तोड़ने के लिए जो है आएंगे। ये रोटी जो है ना गाइस सूख गया है और अभी हम लोग खाए नहीं थे ना, रोटी बच गया था। तो इसको ना अभी मैं जा रही हूँ देने के लिए बकरी को। ये जो है मुर्रा और ये है पूड़ी रोटी, और इसके खाने वाला भी अभी कोई नहीं है, हम लोग नहीं खाए। तो अब जा रही हूँ इसको मैं बकरी को दे रही हूँ, वो खाएगी फिर। ये ले, ये तो एकदम से खा रहा है इसको। अम्मा का बोलते यही पास रख दो या थोड़े कर। सो इसको यही पास इसको मैं दे रही हूँ, ये खाएगी। इसके बच्चा को भी मैं इसको साथ में ला रही। ए इसको तो मैं बांध दी हूँ तो कहाँ से इसके पैर को। हाँ इसको अभी मैं ढील दी हूँ, अब जा दोनों जने खाना, महतारी और बेटी दोनों जने। अभी मैं अभी ना बर्तन को नहीं मतलब मांजी नहीं हूँ, साफ नहीं की हूँ। अभी अम्मा निकाल रही है और क्या बोलते हैं अभी ठंडी का सीजन चालू हो गया ना, तो इस वजह से मुझे ना आज सर्दी सर्दी तो जो है महसूस हो रही है। मैं जो है सुबह क्या बोलते हैं आज कूलर के पास सो गई थी ना, तो सुबह उठते टाइम तक जो है सर्दी लग गई है, इसलिए से थोड़ा सा नाक अच्छा से नहीं लग रही है मेरे को। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मछली लेने के लिए। मछली देखने जा रहे हैं हम लोग, मछली देखने। ये कितना अच्छा सा मछली है, एक नंबर है। पहले 25 रुपया देता रहेगा, ऊपर 30 तो कर देंगे खिलाने के लिए। कहां से चलता हम तो देबो ऊपर खिला दे। हां हम 30 देबो ज्यादा। हां ला दे वो दे ले रहा कहां भेज बता रहा है। मैं भी अरे खराई से नहीं गा भले नहीं नहीं भेज को हूं कहां भेज। अच्छा लगता है। देखा ना उसे खोल के
काला खा देना मछली छोटे छोटे लेती दे ए दाऊ ए दी बड़े मछली खाने बनते हैं नहीं ए दी हां अब मोर अम्मा लेके आवा था भाई हां 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 देखो सो ना अभी मैं जा रही हूं बर्तन लेने के लिए वो लोग ले रहे हैं मछली को टोपी कस लगा कर जा रही है बहुत ज्यादा ना सर्दी बढ़ गया है मेरा तो अभी मैं भाजी को तोड़ रही हूँ घास वगैरह जो है ना ज्यादा बढ़ गया है इस वजह से भाजी को ना तोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है जितना भाजी है ना इसको हम लोग उखाड़ उखाड़ कर खाएंगे सब्जी उसके बाद फिर इसमें जो है हम लोग फिर से लगाएंगे लाल भाजी की तो मैं ना अभी इतने से भाजी को तोड़ी हूँ और इसको भी अब ले जा रही हूँ घर की तरफ क्योंकि सुबह का टाइम है ना तो अभी भाजी में सीट है तो मैं जो है भींग गई हूँ तो इस वजह से ना मतलब भींग गई तो थोड़ा सा ठंडी ठंडी लग रही है तो इसीलिए जो है मैं भाजी को नहीं तोड़ रही हूँ अम्मा जो है चाय पीकर जो है भाजी को तोड़ेगी मैं तो बस आधा सा भाजी को अभी तोड़ी हूँ इसको ले जा रही हूँ घर की तरफ मैं भी चाय पीऊँगी और मतलब मछली भी हम लोग लिए हैं तो उसका भी जो है सफाई करना है तो अभी हम लोग बनाएंगे सब्जी जो है अभी हम लोग लाल भाजी की सब्जी बनाएंगे और हम लोग शाम का टाइम जो है मछली की सब्जी बनाएंगे सो गाइस अभी अम्मा अभी ना चाय पी रही है और मैं भी जाकर अब चाय पी लेती हूँ तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए गाइस बाय बाय